अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि है, इसमें नंबर एक है भार प्रतिशतता। इसमें है भार प्रतिशतता। दोस्तों 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा हम क्या कहते हैं, भार प्रतिशतता कहते हैं, प्रतिशतता। इसको वेट बाय वेट पढ़ते हैं करते हैं, राइट। सूत्र है भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता बराबर क्या होता है, विलेय का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में, अपान विलयन का भार कितने होना चाहिए, ग्राम में, मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं इसका कैसे समझेंगे। जैसे आपको अगर कहा जाता है कि 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज का विलयन, इसका अर्थ क्या हुआ, 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज का विलयन में क्या हुआ कि जो विलयन है 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज विलेय के रूप में क्या होगा, उपस्थित होगा, राइट। 100 ग्राम विलयन में ग्लूकोज कितना होगा, 10 ग्राम उपस्थित होगा। इसके बाद है इसको हम क्या करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, राइट। वेट बाय वॉल्यूम इसका मतलब क्या हुआ, परिभाषा क्या हुई कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं, भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। राइट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि भार आयतन प्रतिशतता, परसेंटेज ग्राम क्या हो जाएगा, विलेय का भार ये किसमें होना चाहिए, ग्राम में, अपान विलयन का भार, विलयन का, अब इसमें क्या लेंगे हम भार नहीं आयतन लेंगे, विलयन का आयतन ये किसमें होगा जी, ml में, ये ध्यान रखना है, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 100, राइट। एग्जांपल इसका कि अगर बात करते हैं कि 10% यानी cl का 10% NaCl का क्या भार आयतन प्रतिशतता है, यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो 100 ml विलयन में हमारा 10 ग्राम NaCl होती है, ठीक है, 100 ml विलयन में NaCl की मात्रा कितनी होगी, 10 ग्राम। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा अगला है हमारा आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसको परसेंट पढ़ते हैं। परिभाषा क्या होगी कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं, ठीक बात है। आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होती है, विलेय का आयतन वो भी किसमें होना चाहिए, ml में, यानी जो हमारा विलयन में विलेय है वो किसमें है, ml में, अपान विलयन का आयतन ml में मल्टीप्लाई बाय 100। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया कि 10% एल्कोहल
का वॉल्यूम वाइज वॉल्यूम परसेंट क्या होगा? तो 10% एल्कोहल एथिल एल्कोहल है सपोज, मान लीजिए जल में विलयन बनाया गया है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 100 ml विलयन में एथिल एल्कोहल 10 ml घुला, ठीक है। तो ये हो गई आयतन प्रश्नता। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट है पीपीएम विषाक्तता। अब पीपीएम क्या होता है? तो दोस्तों पीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? पार्ट्स पार्ट्स पर मिलियन, राइट। और एक मिलियन बराबर कितना होता है? 10^6, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो गई कि 10^6 आयतन, 10^6 आयतन मिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या करते हैं? पीपीएम में शांता करते हैं, ठीक है। तो पीपीएम में शांता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में अपान बिलियन का आयतन एमएल में, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 10^6। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि 0.5% 0.5 ppm NaCl, तो 0.5% या 0.5 ppm NaCl का मतलब क्या हुआ कि 10^6 आयतन विलयन में 0.5 ग्राम NaCl उपस्थित है, ठीक है। तो ये हो गई विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इकाइयों में विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। अब इकाइयों में विलयन की सांद्रता ज्ञात करने में